स्टूडेंट्स, वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। आज मैं आपके लेके आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 की टेस्ट नंबर 2 क्लास 10। तो चलिए सीधे सीधे शुरू करते हैं। तो ये हमारे टेस्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है ग्राफाइट इज़ यूज टू मेक कार्बन इलेक्ट्रोड, सेकेंड है वायर कॉन्क्यू मिरर यूज इन सोलार इक्विपमेंट। तो इसमें और है तो बी जो है वायर कॉन्क्यू मिरर यूज इन सोलार इक्विपमेंट, उसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। अब जल्दी से आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है राइट डेफिनेशंस। पहला है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, आगे है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका आंसर है द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क इन्वॉल्व और द एनर्जी रिलीज इन द ट्रांसफर ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। आगे है पावर, पर यहाँ पे आपको एनी वन डेफिनेशन ही लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे दो बता दिया आपको। थर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। और आगे मिरर फार्मूला, राइट द मिरर फार्मूला। और इसका आंसर है मिरर फार्मूला इज 1/V + 1/U = 1/F। तो आगे देखते हैं, आगे मैंने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन बताया आपको। विच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज द सिंपल डोनेट, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक सेल। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बल्ब कनेक्शन इन द फिगर, तो इसका आंसर है बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द गिवन फिगर। आगे सेवंथ क्वेश्चन है इफ़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 120 degree, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, एनिफाई द सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर गिवन इन द चार्ट, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग देम एट प्रॉपर पोजिशन इन द डायग्राम। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसमें बताना है विच रूल कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, तो इसका आंसर है ओम्स लॉ इज प्रूव्ड इन द अबव डायग्राम। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और दूसरा क्वेश्चन है राइट द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो इसका आंसर है पोजिशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीन इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, स्टेट द रीजन बिहाइंड दैट। तो यहाँ पे जो आप एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है उसमें क्या आपको क्या दिख रहा है उस एक्सपेरिमेंट में, और वो जो एक्सपेरिमेंट में हो रहा है उसके उसका रीज़न आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर ये रहेगा, मैं रीड कर रहा हूँ, एयर इज ब्लोड इन लाइम वाटर फ्रॉम माउथ, द कलर ऑफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे विच गैस इज रिलीज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, राइट अ प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। तो राइट साइड में आपको जो फोटो दिख रहा है एक्सटिंग्विशर का, ये क्वेश्चन उसके बारे में है। तो इसका आंसर ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर्टी, CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज कोरोजन एंड आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस CO2 based fire extinguisher are used to extinguish small scale fire. तो आगे का क्वेश्चन है distinguish between, तो इसमें आपको किसी भी एक में डिफरेंस बताना है। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पे मैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है व्हाट विल हैपन इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोन इन द सर्किट इन द फिगर, विच मटेरियल इज प्रेजेंट इन द पेंसिल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज फाउंड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको जो साइड में डायग्राम दिख रही है, एक पेंसिल है, उसको दो चिमटे जैसे बंधे हुए हैं, और वहाँ पे एक सेल और बल्ब है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या होगा, और पेंसिल के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है।
ये भी हमें पूछा गया है। और यहाँ पे और पूछा गया विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज फाउंड इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी इस एक्सपेरिमेंट में दिखाई गई है। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं रीड करके बताता हूँ। इफ करंट पासिस थ्रू सर्किट देन द बल्ब विल ग्लो अप। पेंसिल कंटेंस ग्राफाइट विच इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो करंट पासिस थ्रू द सर्किट एंड बल्ब ग्लोज अप। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे नीचे कर लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये टेस्ट सॉल्व कर पाएँ। और स्टूडेंट्स एक और बात, इस टेस्ट में आगे भी और क्वेश्चन है पर यहाँ पे आपको एनी फाइव ही बोले थे इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन बताए हैं, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।